शर्मा शो में सोफे पर बैठकर जोर जोर से हंसने वाली अर्चना पूरन सिंह का हर कोई मजाक बनाता है। खुद कपिल शर्मा अर्चना पूरन सिंह की अक्सर इस बात पर टांग खिंचाई करते हैं कि वो सिद्धू की जगह खा गई। लेकिन अर्चना पूरन सिंह ने हाल ही में अपने एक नए शो में अपनी हंसी के पीछे के दर्द पर बात की है। अर्चना पूरन सिंह ने कहा कि तब का किस्सा है जब मैं कॉमेडी नाइट्स शूट कर रही थी। मेरी सास हॉस्पिटलाइज्ड थी और वो काफी बीमार थी, मगर क्योंकि मेरा शूट था तो मुझे अपनी सास को छोड़कर शूट पर आना पड़ा। लगभग 6 बजे के आसपास मुझे पता चला कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही हैं। मैंने जैसे ही प्रोडक्शन टीम से कहा कि मुझे फौरन घर जाना होगा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपने रिएक्शंस देने के बाद जा सकती हैं, ताकि उसे एपिसोड में एडिट करके लगाया जा सके। अर्चना पूरन सिंह वहां रुकी और उन्होंने जोर जोर से हंसकर, धीमे से हंसकर, मुस्कुरा कर या फिर तालियां बजा बजा कर हंसकर रिएक्ट किया। जी हाँ, माँ को खोकर अंदर से अर्चना पूरन सिंह रो रही थी, लेकिन बाहर से उन्हें हंस हंस कर रिएक्शंस देने पड़े। कॉमेडी शो की जज ने कहा कि आज भी जब वो लम्हा याद करती हूँ तो मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगते हैं। मैं ही जानती हूँ कि वो 15 मिनट मेरे ऊपर क्या बीती थी। इसीलिए ही कहते हैं कि कलाकार की जिंदगी आसान नहीं होती। आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी चल रहा हो, प्रोफेशनल लाइफ में आपको किरदार में ढलना ही पड़ता है।